मैं हूँ अश्विन और मैं हूँ गरिमा एंड वेलकम टू आवर चैनल डांसर्स इन स्टाइल. एज यू नो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी थी वेयर वी टॉक्ड अबाउट फेस शेप्स एंड हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था द हेयर स्टाइल्स दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर योर फेस हेयर स्टाइल्स विच आर बेस्ट सूटेड फॉर योर फेस शेप एंड इन दिस वीडियो वी गोना टेल यू द सनग्लासेस एंड द आई ग्लासेस दैट फिट योर फेस परफेक्ट. सो दिस इज 8th एपिसोड ऑफ फाइंड योर स्टाइल और हम यहाँ पे बात करेंगे सनग्लासेस के बारे में. बिगनिंग विद ओवल फेस शेप. ओवल फेस शेप अब दिस इज द थर्ड एपिसोड दैट वी आर रिपीटिंग दिस इन दैट अश्मिता हैज एन ओवल फेस शेप एंड जिसका भी ओवल फेस शेप है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है. स्टाइलिंग के मामले में आपके सारे हेयर स्टाइल्स भी सूट करते हैं और सनग्लासेस भी सारे मतलब मोस्टली तो सूट करते हैं. So you don't have to pick and choose and you can go with any trend that is going on and you can pick any sunglass that is going on in the trend and you know rock it. Yeah, so lucky us, high five. And a few tips here are ki agar aap glasses le rahe ho, eye glasses, make sure they're not broader than the width of your face. You can do that with sunglasses. You can get super oversized sunglasses, square shaped, and they'll go perfectly with your outfits and add that glam. But जब आप आई ग्लासेस लें तो मेक श्योर कि वो आपकी फेस की विड्थ के अंदर ही हो. यू कैन गो फॉर स्क्वायर, यू कैन गो फॉर राउंड. स्क्वायर इज प्रेफरेबल क्योंकि वो आजकल ट्रेंड में भी है. सो यू कैन ट्राई दैट एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट विद एनी शेप. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक सन ग्लासेस खरीदते समय यू कैन गो फॉर दोज monobrowed sunglasses which is like a line here above your eyebrow, so it gives you a kind of depth to your face and adds sort of an element, and you can go for that if you like it. So moving on to the second face shape, and this is a square face shape. Humne aapko bataya tha last time that if you are a square face shape to aapki forehead बड़ा है, आपकी जॉ लाइन भी थोड़ी ब्रॉड है और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वर्टिकल लाइन से सिमिलर है. सो दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स टू आई ग्लासेस द प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस सो इट्स बेटर दैट यू ऑप्ट फॉर राउंड ग्लासेस क्योंकि हमें आपकी जो एज है फेस की उसको थोड़ा सॉफ्ट मतलब उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस ऐड करनी है. उसके लिए आपके लिए राउंड ग्लासेस बहुत ही परफेक्ट रहेंगे. और जो लाइन ओवल्स होते हैं जैसे ओवल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगे. एंड इफ यू डोंट वांट टू शेप योर फेस थ्रू प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपने फेस को शेप नहीं दे पाएंगे उनसे. तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर द ग्लासेस दैट आर वेरी थिनली रिम्ड जिनकी जो आउटर फ्रेम होता है वो बहुत ही पतला होता है, ज्यादा कलर नहीं होता, ज्यादा शेप नहीं होता. और कुछ फ्रेम्स ऐसे भी होते हैं जिनका फ्रेम बिल्कुल ही नहीं होता, दे जस्ट हैव दोज सपोर्टिंग स्टिक्स. सो या दैट्स वन ऑप्शन. और जब सनग्लासेस की बात करें तो एक प्रो टिप ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये थंब रूल है जो आपको याद रखना है कि आप सनग्लासेस ऐसे ऑप्ट करें जो आपके फेस से बाहर ना जाएं क्योंकि आपका फेस ऑलरेडी काफ़ी ब्रॉड है. अगर आप ऐसे सनग्लासेस चूज करते हैं जो आपके फेस से बाहर निकलते हैं तो वो बस आपके फेस को और ब्रॉड कर देंगे एंड दैट वोंट सर्व द पर्पस दैट वी वांट टू सर्व या. And opt for softer edged sunglasses जो बिल्कुल ही square shaped होते हैं उनके उनसे बस just say no no to those क्योंकि you already have a edgy and square shaped face तो आप square shape पहनेंगे तो that won't do any good. Yeah. So just add some softness, some roundness, एक soft edge वाला sunglass आप choose करें. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ फेस शेप विच इज़ द राउंड फेस शेप. एंड जैसे कि हमने आपको बताया था और बेबन गरिमा इज राउंड सो हियर यू हैव सिमिलर फीचर्स एज अ स्क्वायर बट इंस्टेड ऑफ अ वेरी शार्प जॉ लाइन यू हैव सॉर्ट ऑफ अ सेमी सर्क्यूलर लो हाफ इन द फेस विच इज गिव्स यू अ वेरी राउंड लुकिंग फेस. तो अब क्या करें क्योंकि आपका फेस इतना ज़्यादा राउंड है, यू नीड टू एड एंगल्स टू इट विच ऑब्वियसली मीन्स दैट यू कैन गो फॉर आई ग्लासेस विच आर स्क्वायर और विच हैव एंगल्स टू देम. यू कैन गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासेज जिसमें हल्के हल्के एंगल्स हो. यू कैन गो फॉर रेक्टेंगुलर फ्रेम्स, यू कैन गो फॉर स्क्वायर फ्रेम्स, बट द मेन आइडिया इज टू एड एंगल्स टू योर फेस टू टेक अवे फ्रॉम द राउंडनेस. तो इसमें सबसे बड़ा नो नो है टू गो फॉर राउंड फ्रेम्स. यू शुड
totally stay away from round frames. And for sunglasses, you can again go for square sunglasses, but make sure they're not very oversized. They should be within the width of your face, or even shorter than that would do. But if you're very big, then again the purpose gets defeated and will make you look abnormally disbalanced. So just go for square glasses and add angles to your face to balance out the roundness. Now coming to the fourth face shape, that is a heart face shape. Yeah. So this face shape ke features ye hai ki aapka jo forehead hai wo thoda bada hai aur aapki jawline bahut hi zyada defined hai, aapki chin bahut hi pointed hai, but your forehead doesn't balance well with your lower part of your body. Oh sorry, lower part of your face. That's why we need to add volume towards the lower part of your face. और ये करने का एक बहुत अच्छा तरीका है is to go for aviators. Yes. And they are like bang on sunglasses for you guys, क्योंकि वो जिस तरह से बने हुए हैं तो they give volume towards here, towards your cheekbones. And it's not necessary that you look like, mostly people believe कि आप aviators prescription glasses में नहीं पहन सकते. And that is very wrong, because you just need frames, aviator frames, and then you can get your prescription lenses added to that, and that would also look very good. Now if you don't want to shape your face a lot, then like I said earlier, aap bina frame wale sun eyeglasses ke liye bhi opt kar sakte hain. That works very nicely. And moving on to the fifth face shape, which is the diamond face shape, jahan pe cheeks, जहाँ पे योर चीक बोन्स आर द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ योर फेस, सो नेचुरली यू वॉन्ट टू एड वॉल्यूम, यू वॉन्ट टू एड वॉल्यूम टू द टॉप ऑफ योर फेस. अब इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैट आई ग्लासेस, एंड यू कैन गेट दोज मेड इन योर प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, एंड देन यू कैन एड एंगल्स विच पॉइंट टूवर्ड्स द अपर हाफ ऑफ योर फेस, बैलेंसिंग आउट द एंगुलरनेस ऑफ योर फेस, इफ दैट इज अ वर्ड. Another thing that you can do while getting prescription glasses is that you can get glasses jinki upar frame hai but niche koi rim nahi hai, so then again it'll add volume to the top and avoid adding volume towards the cheekbones, again balancing out the angularness of your face, if that's a word. And moving on to the sixth face shape, and that is oblong face shape. Aur agar hum Ashmit ke muh ko thoda lamba kar denge to that is oblong face shape. And like we said earlier, जैसे अश्मित के फेस को और ओवल फेस शेप्स को ज़्यादातर सनग्लासेस सूट करेंगे, उसी तरह से ओब्लॉन्ग फेस शेप को भी ज़्यादातर सनग्लासेस सूट करेंगे. सो यू गैस डोंट हैव टू वरी अ लॉट. वन थम रूल दैट यू कैन फॉलो हियर इज टू गो फॉर दैट अबव योर आईब्रो वाले सनग्लासेस, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा आपके फोरहेड को हाइड करेंगे और इल्यूजन क्रिएट करेंगे ऑफ हैविंग अ स्मॉलर फोरहेड. So that is one thing that you can do. And but when it comes to your prescription glasses, your eyeglasses, so you can choose any frame, because they are mostly small and mostly you know, you can't play much with your eyeglasses and prescription glasses. So don't worry, you can opt for any shape of eyeglasses and it would work very nicely with your face, like it does with an oval face shape. So coming to the end, अब ये थोड़ी सी टिप है जो सारी फेस शेप्स फॉलो कर सकती हैं. व्हेन इट कम्स टू द कलर ऑफ योर ग्लासेस, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि वो आपकी स्किन टोन से बैलेंस आउट करे. जस्ट डोंट गो एंड बाय एनी कलर आउट देयर. इफ यू आर अ पर्टिकुलर स्किन टाइप, देन मेक श्योर दैट दैट कलर इन्हांसेस योर स्किन टोन और ब्लेंड्स आपकी स्किन टोन के साथ मैच कर रहा है, उसको इन्हांस कर रहा है. डजंट ड्रेन आउट द कलर फ्रॉम योर फेस, बिकॉज वो एक चीज़ है जो आप हर समय पहनोगे. एंड इफ यू गोइंग फॉर मीटिंग्स, इफ यू रीडिंग समथिंग, इफ यू गोइंग फॉर क्लासेस, तो इट एड लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू योर फेस, एंड यू नीड टू लुक शार्प एंड क्रिस्प फॉर दोज मीटिंग्स. सो मेक श्योर दैट यू चूज द राइट कलर विच बैलेंसेज आउट योर स्किन टोन. एंड डोंट बी अफ्रेड नाउ दैट वी ब्रॉट इन अनदर टर्म हियर, दैट इज द स्किन टोन, एंड नोइंग व्हाट योर स्किन टोन इज, वी विल बी टेकिंग अप दिस टॉपिक फर्दर. तो यू कैन जस्ट कीप दिस इन हाइंडसाइट की हम ये स्किन टोन भी एक स्टाइलिंग का तरीका है और इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन हाउ यू वेयर योर क्लोथ्स एंड योर एक्सेसरीज. सो डोंट वरी, वी विल बी टैकलिंग दिस इशू, नॉट एन इशू बट दिस टॉपिक ऑल्सो. और दूसरा
चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप सनग्लासेस का या अपने आई ग्लासेस का कलर चूज करें वो है आपका क्लोजेट, क्योंकि दिस इज एन एक्सेसरी दैट शुड गो विद मोस्ट ऑफ योर क्लोथ्स. सो मेक श्योर दैट इट गोज विद वॉट एवर यू चूज एंड वॉट एवर यू वेयर इन अ डेली बेसिस. तो यार दोज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन चूजिंग द कलर. और शेप और साइज के बारे में हम आपको बता चुके हैं. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. And we just hope that you found it helpful. Thoda bahut. Because we love making such videos, we love researching about these things. क्योंकि इस तरह से हम सिर्फ आपकी मदद नहीं करते, हम अपनी खुद की भी मदद करते हैं. We can't even tell you how much we've learned about personal styling in these past months that we've been researching and learning about what one should wear, what one should avoid wearing. So yeah. Yeah, and whatever shopping that we're doing, अब जो भी हम खरीदते हैं, so we have these points on the back of our head and you make sure ki we make these decisions accordingly to balance out the elements that we want to balance out. So now I would like to share one experience ki pehle jab main H&M jaati thi to I would go all crazy ki yaar ye bhi kitna acha hai. Oh, I saw this with some blogger wear this, and now after these many months, so yeah, so now this difference that I felt in my behavior was a little stark kyunki 4 महीने से मैं H&M गई नहीं. एंड अभी शायद लास्ट मे बी ऑन मंडे व्हेन आई वेंट देयर, आई वेंट इन H&M एंड आई कुड सी दीज पीसेस इतने फंकी और ऐसे सब, बट आई वॉज नॉट ड्रॉन टू देम क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे या फिर मैं इनको एक या दो से ज़्यादा बार नहीं पहन पाऊंगी. तो इट वॉज जस्ट नॉनसेंसिकल टू बाय 2500-3000 की चीज़ें. proud of you. And like even I have a similar stories, like I wanted a few basic t-shirts from like just to go out with more. Aise hota na when you have to like go out, but I did not have those basic outfits ready, so I wanted to buy just a few basic t-shirts ki mujhe kahin jana pade so I can like just quickly get ready and I don't have to think every time kuch pehenne se pehle. So that's how I went and shopped on Myntra. और इतने सारे discounts में आपको लगता है ना ये भी ले लो just for 300, just for 400, just fill your cupboard. But then I thought logically and I bought this shirt, just one shirt. But then you can see that it has horizontal stripe, which balances out the pear shaped body that I am. So this is one decision that I made that I'm proud of. Yeah, I am proud too. High five. So guys. Bye. We'll see you Saturday. Yeah, we hope you guys like it. Do subscribe and bye. Bye.